मैं हूँ डॉक्टर अजय यादव। आई एम वैस्कुलर सर्जन, एंडोवैस्कुलर सर्जन और रोबोटिक सर्जन। हार्ट को छोड़ के बाकी शरीर की सारी नसों का ट्रीटमेंट करता हूँ। पैर की नसें, हाथ की नसें, दिमाग की नसें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से बंद हो जाती हैं। डायबिटीज़ होने की वजह से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से ये नसें जल्दी बंद हो जाती हैं। आप ज़्यादा देर चल नहीं पाएंगे, जब भी चलेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा। रात में दर्द बढ़ गया है पैरों में, जब भी आप सो रहे हैं पैरों में दर्द होता रहता है, पैर पकड़ के बैठे रहते हैं। यही चीज़ और बिगड़ने पे पैरों में जख्म बन सकता है, पैरों की उंगलियां काली हो सकती हैं, उनको निकालने की नौबत आ सकती है, इसको गैंग्रीन भी कहते हैं। धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते ये पैर निकालने तक की नौबत बन सकती है। मैंने अपना पैर का नाखून काटा और नाखून में जख्म हो गया। लोकल पट्टियाँ कराता रहा, उन्होंने कहा पट्टी करा लो ठीक हो जाएगा। इन द मीन टाइम मेरे जो है दो उंगलियों में जख्म आ गए। इनको आज से 1.5-2 साल पहले पैरालाइज हो गया था, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा ये तो पैर जाएगा ही जाएगा, जो मर्जी कर लो। इनके पैर में शोर लगने की वजह से ना, इनका अंगूठा में चोट आने की वजह से दिखाया हमने, तो उन्होंने बोला कि इनकी सेंसिटिव नसें बंद हो गई हैं। वैस्कुलर फाउंडेशन एक NGO है, जो एक संस्था है जो वैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटिक फुट, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज की अवेयरनेस के बारे में काम करती है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, डायबिटिक फुट एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पैर खा रही है, जो हमारे पैर कटवा रही है। ये बीमारियाँ उस उम्र में हो रही है जिस समय आप सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल। इन्होंने फिर जब ऑपरेशन एंजियोग्राफी कर दी, एंजियोग्राफी के 20-25 दिन बाद ऑपरेशन किया, उसके बाद थोड़ा ठीक होने पे फिर किया। 3 साल से ऑपरेशन कराया तो अब बिल्कुल सही हैं, अच्छे से वॉक वूक कर लेते हैं। ये डायबिटिक भी हैं साथ में, तो बहुत ध्यान करना पड़ता है, तो लेकिन कम्फर्टेबल हैं। फिर मैंने इनका इलाज कराया तो इन्होंने मेरे को टेस्ट वेस्ट करने के बाद बताया कि आपके पैर में जो है खून का फ्लो कम है और इसका ऑपरेशन होगा। तो इस समय मेरी जो है करीब पिछले 3-4 महीने से मोर देन 8 किलोमीटर की वॉक है पर डे की, और मैं काफ़ी मतलब बेटर फील कर रहा हूँ। ओल्ड एज की उम्र के पेशेंट्स को जब भी जख्म बन जाता है तो वो घबराए ना, उसका ध्यान रखें, अपने आसपास किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वैस्कुलर सर्जन को दिखाएं जो उनकी खून की नसों का ध्यान रखें, उनके जख्म का ध्यान रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, पैरों में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको तुरंत एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इसका इलाज संभव है, ये नॉर्मल आपके दो पैरों पे आप ज़िंदगी काट सकते हैं, पर इलाज जल्दी शुरू करवाइए और इलाज पूरे दिल से।